आज दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 साल से रेट नहीं बढ़े नहीं बल्कि रेट घटे हैं, जबकि आप हर एक राज्य से खबरें उठा के देखिए, आपके पास भी खबरें आती हैं, गूगल करके देखिए, हर एक राज्य में हर साल बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और दिल्ली में लगातार बिजली के रेट कम होते गए हैं। मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था, इत्तेफाक से है नहीं अभी वहाँ इसका चार्ट, ये आपको भेज देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये आपको ऐसे दिखाया जा सकता है, ये नहीं चल पा रहा है, देखो कॉपी? हाँ कॉपी तो दे ही देंगे, मतलब फॉर्मली देखें तो ये देखिए, दिल्ली में मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ फिर आपको चार्ट बता देंगे। दिल्ली में 2010 में 200 यूनिट बिजली के दाम थे 539 रुपये, जिसकी 200 यूनिट तक का कंज्यूमर था वो 539 रुपये का बिल देता था। 2013 में 928 रुपये हुए ये बढ़ के, 2018 में ये नीचे आके 660 रुपये थे और अब आज के बाद ये 408 रुपये हो जाएंगे, यानी कि आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली के दाम दिल्ली के मुकाबले ही 2010 के मुकाबले काफ़ी नीचे आ गए हैं। ये चार्ट आपको वो भी कर देंगे, भेज देंगे, अभी बनाया था मैंने, यहाँ दिखाना चाह रहा था आपको, दिखा देंगे इसको, मतलब भेज देंगे दिल्ली। तो इस चार्ट को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ बिजली के दाम घट रहे हैं, उसके अलावा जितनी जगह थी वहाँ आपको ये चार्ट हमेशा राज्यों में बढ़ते हुए दिखेगा। दिल्ली में ये 2013 तक ऊपर गया, 2013 से 14 से लगातार घटते आ रहे हैं। अब एक बार फिर से आज दिल्ली में बिजली के दाम और सस्ते हो गए हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने 4 महीने पहले घोषणा की थी कि फिक्स चार्जेस कम कर दिए जाएंगे और आज फिक्स चार्जेस कम कर दिए गए हैं। इससे दिल्ली के हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। तो आज की 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं पावर सेक्टर में, एक तो फिक्स चार्जेस कम हो गए हैं, कम कर दिए गए हैं और जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने पहले की थी, और दूसरा जो दिल्ली के छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 किलोवाट तक छोटी दुकान वाले अपने कमर्शियल कनेक्शन को कम रेट कर, डोमेस्टिक उनका रेट कम किया गया है, उनका रेट कम किया गया है, उनका जो रेट है वो कम कर दिया गया है छोटी दुकान वालों का। और इसमें इसका जो फ़ायदा होगा वो डॉक्टर्स को, वकीलों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, किराना की दुकान वालों को, इन सबको इसका बहुत फ़ायदा होगा, इनके रेट्स और कम कर दिए गए हैं। दूसरा जो आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है, अगर पावर कट का भी कोई चार्ट होता तो आपको दिखता है कि वो पहले ऊपर बढ़ा करता था, पिछले वर्षों में पावर कट का चार्ट भी नीचे ही गया है। इन्वर्टर को लोग लगभग भूल गए हैं आज की तारीख में दिल्ली में, आपको याद होगा पहले कितने पावर कट होते थे। सवाल यह है कि अगर दिल्ली में बिजली के दाम कम हो सकते हैं, हिस्टोरिक कम हो सकते हैं, लगातार हर साल कम हो सकते हैं, तो फिर बाकी राज्यों में क्यों बढ़ रहे हैं? दिल्ली में लोग इन्वर्टर को भूल गए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को, तो बाकी राज्यों में इतने इतने लंबे कट क्यों हैं? इसको लेके जवाब देना चाहिए। और आज हम मांग करते हैं कि बाकी राज्यों की जो सरकारें हैं, ख़ासतौर से आप अगर इसको गुड़गांव से तुलना करें, नोएडा से तुलना करें, कांग्रेस, ये तो बीजेपी के दोनों सरकारें हैं यहाँ पे, कांग्रेस के किसी सरकार से तुलना करें, राजस्थान से तुलना करें, पंजाब से तुलना करें, सबके मुकाबले आज दिल्ली में बिजली बहुत सस्ती है। इसको भी मैं देख रहा था, एक चार्ट और मैं आपको दूंगा। अभी आप देखो गुड़गांव में 200 यूनिट बिजली 910 रुपये में है आज की तारीख में, नोएडा में अब 200 यूनिट बिजली 1310 रुपये में है। तो गुड़गांव मतलब हरियाणा में 910 रुपये में, नोएडा गाज़ियाबाद मतलब
उत्तर प्रदेश में 1310 रुपए में, मुंबई में 1410 रुपए में, कांग्रेस के राजस्थान में अजमेर का मेरे पास चार्ट है 1588 रुपए है अजमेर में 200 यूनिट बिजली के दाम, और दिल्ली में जैसा मैंने बताया 408 रुपए। तो सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली में उपलब्ध हो रही है, बाकी राज्यों में इतनी सस्ती बिजली क्यों नहीं उपलब्ध है? मुझे लगता है कि इन राज्यों ने बिजली का बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, इसलिए ये लोग सस्ती बिजली नहीं दे रहे हैं। इन सब राज्यों को बिजली के दाम कम करने चाहिए, देश की जनता की लूट बंद करनी चाहिए इनको। और जो ये वहाँ इतने, अब आप सोचिए 408 रुपए में अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली दी जा सकती है, तो ऐसा क्या होगा कि राजस्थान में वो बिजली 1588 रुपए में दी जा रही है? ऐसा क्या होगा कि मुंबई में 1410 रुपए, नोएडा और गाजियाबाद पड़ोसी, यहाँ के लिए तो आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अलावा ना ट्रांसमिशन में डिफरेंसेस हैं ना कुछ डिफरेंसेस हैं, नोएडा गाजियाबाद में जो बिजली दिल्ली में 408 रुपए में मिल रही है वो नोएडा और गाजियाबाद में 1310 रुपए में मिल रही है 200 यूनिट तक बिजली, गुड़गांव में 910 रुपए में मिल रही है। तो 408 से 910 और 408 से 1310 का डिफरेंस देख लीजिए, इसका मतलब खुली लूट मचा रखी है इन राज्यों ने। इनकी तो, इनको तुरंत दाम कम करने चाहिए और जो घोटाला हुआ है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने साढ़े चार साल पहले जो सरकार चुनी थी वो एक ईमानदार सरकार चुनी जो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को बदलने पे काम करे। और आज साढ़े चार साल से लगातार दिल्ली में बिजली के दाम कम करके केजरीवाल सरकार ने ये दिखा दिया है कि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता करते हैं। और आज ये भरोसा लोगों को है कि जब तक केजरीवाल जी हैं तब तक दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलेगी और देश में सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। ये हमारा वादा है और यही हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें।